हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जीके में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें कुछ इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स यानी जो स्मारक है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, लुक एट द पिक्चर्स सॉन नेम देम टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट जो पिक्चर दी हुई है वो है जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद जो है वो बनी हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और यह मस्जिद जो है वो सम्राट जो हुमायूं था, जो मुग़ल शासक था, उसकी जो कब्र थी उसको यहाँ पर वो स्थापित है। तो फर्स्ट जो है वो जामा मस्जिद है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर कोणार्क सन टेंपल, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह जो है यह पड़ता है ओडिशा स्टेट के अंदर, और कोणार्क सन टेंपल को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो 13th सेंचुरी के अंदर जो गंग वंश का शासक था, जिसका नाम था नरसिंह देव फर्स्ट, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कोणार्क सन टेंपल कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर थर्ड पे लोटस टेंपल। ठीक है, लोटस टेंपल जो है ये है न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर फोर पे, वो है ताजमहल। ताजमहल जो है आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसका जो निर्माण है वो मुग़ल शासक शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर ये स्थित है। फिर देखो नेक्स्ट है फाइव नंबर जो है वो है इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश इंडिया में करवाया गया था, जो कि जॉन लुटियंस नाम का एक वास्तुकार था जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद नंबर सिक्स पर है जो पिक्चर है वो है गोल्डन टेंपल की। गोल्डन टेंपल यानी जो स्वर्ण मंदिर है वो है अमृतसर, यानी अमृतसर पंजाब के अंदर है। ठीक है, और यह सिखों का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। इसका जो निर्माण है वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर सेवन पे जो है रेड फोर्ट, यानी लाल किला, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। हर साल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राजपथ है वहाँ पर सेनाओं के द्वारा परेड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर एट पर है वो पिक्चर है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था तो तभी बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो शासक बना था इल्तुतमिश, उसने इसका निर्माण पूरा करवाया था।
उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट पिक्चर है मीनाक्षी टेंपल की। मीनाक्षी टेंपल जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो नाम दिए हुए हैं वही आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा वो है दे मेड अस प्राउड टू बी इंडियंस। इसमें हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे इंडिया को प्राउड होता है, गर्व होता है जिनके ऊपर, और इंडिया को आज़ादी दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, ठीक है। तो देखो, मैच द नेम्स ऑफ द नेशनल लीडर्स विद देयर पिक्चर्स। नीचे कुछ नेशनल लीडर्स यानी देश के कुछ लीडर्स के बारे में पिक्चर दी हुई है, हमें बताना है उनका नाम क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो नंबर वन पे पिक्चर दी हुई है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है, और अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए उन्होंने इस सेना का गठन किया था। तो देखो, फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा जी नंबर पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर है सेकंड नंबर पे जो पिक्चर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो तब देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर ये रहे थे। उसके बाद जो नंबर थर्ड पर है पिक्चर वो है तो सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा जो आई नंबर पे दिया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद थर्ड नंबर जो है उसका आंसर है नंबर के पर, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। ये जो है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है और फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ये थी इंडिया की। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर फोर पे जो है उसका आंसर है जो डी नंबर पर दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद नंबर फाइव पर है पिक्चर, उनका नाम है लोकमान्य तिलक, ठीक है। लोकमान्य तिलक जो थे इनका भी इंडिया को आज़ाद कराने में इनका भी बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर सिक्स पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद नंबर सेवन पर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जिसका पूरा नाम है भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने भारत का जो संविधान है उसे बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उसके बाद नंबर एट पर है वो है लाला लाजपत राय, ठीक है। इन्होंने भी इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे और इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर नाइन पर है वो है महात्मा गांधी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि इंडिया के नेशनल फादर है। और इनकी भूमिका जो है वो बहुत बड़ी थी,
इंडिया की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10 पर, वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 11 पे, जो पिक्चर है वो है भगत सिंह की। भगत सिंह ने भी इंडिया की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। और उसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा भी लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 12 पर, जो पिक्चर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और इनके जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, इसमें आपको जो नाम दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।